वैज्ञानिक प्रत्याकर्षण वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक एवं कृषि मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी मेला के अवसर पर हमारे बीच में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति माननीय डॉक्टर हरिंदर कुमार चौधरी जी, जिनको स्वागत करते हुए मैं गौरवान्वित व आनंदित महसूस कर रहा हूं। जब इस विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति का कुल भार कार्यभार संभाला था तो उस समय इन्होंने एक बात कही थी कि एक कदम हम बढ़े एक कदम तुम आओ मिलकर नाप लें फासले चांद तक। तब से लेकर आज तक दिन रात 24/7 ये विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रेरणादायी उपस्थिति का मैं तहे दिल से कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, कृषि अभियांत्रिकी की तरफ से व यहाँ पर मौजूद किसान भाई व महिला शक्ति इसकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनका नेतृत्व विकास, इनके द्वारा हमारे में डाला गया बेहतर आत्मविश्वास, प्रभावी संचार के कारण ही यह विश्वविद्यालय दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। महोदय, आपके कुशल व कौशल विकास के कारण ही किसान जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपने जो प्रथम दिन ही नारा दिया था कि विश्वविद्यालय का यही प्रयास हर कृषक का हो उचित विकास, तो विश्वविद्यालय ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनकी जो साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक है उसको बंद कमरे में ना करने का आदेश देते हुए किसानों के बीच में अपना संदेश देने के लिए आप ही ने आदेश दिए थे। और आज जो ये आपके कार्यकाल में कृषि विज्ञान कांगड़ा की जो दूसरी बैठक हो रही है वो किसानों के बीच मंच पर जमीन पर बैठकर जमीनी हकीकत को सामने, की अगर हम कुल आबादी की महोदय बात करें तो इसमें 15,60,000 की आबादी है। इसकी मुख्य जो फसलें हैं मक्की, धान, गेहूं, दालें, तिलहने, सब्जियां, आलू, अदरक, फल, आम, नींबू, लीची, सेब और कुछ एक क्षेत्र में हमारी विश्व प्रमुख चाय का उत्पादन भी होता है। इसमें हमारे जो पशुधन है उसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, मुर्गियां और मत्स्य पालन का भी इसमें योगदान है। जो हमारे किसानों की मुख्य ज्वलंत समस्या है जो हम आज सुबह से जिस पे चर्चा कर रहे हैं उसमें एक तो जो आवारा पशु हैं वो हैं बांस, घास, रूट रॉट बिल्ट कॉम्प्लेक्स, पाउडरी मिल्ड्यू, पोटैटो की, आलू की जो बीमारियां हैं, कुछ एक जिंक और मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी है,
टोमेटो टमाटर और आलू में लेट ब्लाइट की समस्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या है, डॉक्टर संत प्रकाश ने जिसके बारे में चर्चा की, जो गेहूं है उसमें येलो रस्ट की समस्या है, और आजकल जो एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है वो है फ्रूट फ्लाई की, जो फल मक्खी है वो हमारी फसल को खराब करती है। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रयासरत रहता है। पिछली बैठक में से लेकर के आज तक किसानों के खेतों में हमने 12 परीक्षण लगाए, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन 34 लगाए, केंद्र पर 25 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया और केंद्र से बाहर हमने 21 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। अन्य विभागों के सहयोग से हमने 14 कार्यक्रम किए, व्यवसायिक प्रशिक्षण शिविर हमने 5 लगाए, प्रसार अधिकारियों के लिए 2 कार्यक्रम किए और खेत दिवस और विशेष आयोजन हमने 16 किए जिसमें 731 किसान के साथ मेला लगाया। टूर के बारे में जो भी सब्सिडी के बारे में तो आपने इसके बारे में इनसे सलाह मशवरा किया है, तो जो भी लगता है आपको कोई चीज़ लेना चाहता है और सब्सिडी के लिए अप्लाई करना चाहता है वो जो है आपको पता होना कि आजकल जो भी है वो सब्सिडी के लिए ऑनलाइन जो है इसकी अप्लाई होती है सब्सिडी के लिए, तो जो भी इनसे पूछ सकता है, जो भी किस चीज़ के लिए कोई चीज़ लेना चाहता है वो इनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें। और बाकी जो है सब्सिडी के लिए कोई भी फॉर्म वगैरह चाहिए तो वो मेरे से मिल लें, बहुत धन्यवाद। पानी की भी कमी हो रही है, मेरे ख्याल पानी की मेन समस्या है। वैसे तो जमानाबाद एरिया में लोग सब्जियां उगाते हैं, पानी की समस्या इतनी नहीं है, लेकिन अगर हिमाचल का देखें आप तो 82% जो एरिया है वो रेन फेड है, वर्षा पर निर्भर है। कल 22 मार्च है, वर्ल्ड वाटर डे है पानी के बारे में, तो इसका जो थीम है वो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर है नीचे वो कम हो रहा है, उसको कैसे रिचार्ज करें। पहले बोरियां होती थी, तालाब होते थे तो वो सूखते नहीं थे, लेकिन आज देखिए ये बोरियां हमारी तालाब पुल है सूखी हुई है, तो पानी को हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। पानी को बचाइए, पानी को वेस्ट मत करिए। अब आजकल माइक्रो इरीगेशन का जमाना आ रहा है, ड्रिप इरीगेशन है, फर्टिगेशन है, किसानों में काफ़ी जागृति है, वो उस पर ध्यान दें, सब्जियों में बहुत उसका उपयोग है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर आप करेंगे संयुक्त, जैसे आपने दालें उगाई, सब्जियां उगाई, अनाज की फसलें लगाई, डेयरी है, पोल्ट्री है, मशरूम है, तो इस तरह से हनी है, हनी भी हमारा नगरोटा में यहाँ साथ ही बी का फार्म है जिसको हम माननीय कुलपति जी ने अनुरोध किया है कि इसको हेरिटेज फार्म बी कीपिंग फार्म बनाया जाएगा, तो आप हनी का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो मधुमक्खियाँ हैं उनका भी आप पूरा फायदा लें, वहाँ ट्रेनिंग लें। केवीके इंचार्ज डॉक्टर संजय शर्मा टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, मशरूम में ट्रेनिंग लीजिए, बी कीपिंग में लीजिए। अभी मैं सवेरे बात कर रहा था बलवीर सिंह सैनी जी, माननीय कुलपति जी, तो इन्होंने बहुत हार्डशिप देखी और 2009 में इनकी पत्नी भी एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे पाले इन्होंने, और इन्होंने इतना अच्छा अब सब्जियां उगा रहे हैं, इतनी इनकी आमदनी है। पर्याप्त से ही भारी मात्रा में किसान विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और इन्होंने किसानों को, इनके नेतृत्व से किसानों के लिए विश्वविद्यालय की जो हमारा मीडियम है उनमें किसान दीर्घा का सृजन किया है, किसानों को जीनोम शिविर अवार्ड से नवाजा भी गया है, ये इनकी बदौलत ही किसानों को जीनोम शिविर अवार्ड मिला है, और इन्होंने जो प्रगतिशील किसान हैं और जो जिनको जीनोम शिविर अवार्ड मिला है उनको भी विश्वविद्यालय में सम्मानित किया है। माननीय कुलपति महोदय जी समय में एक कृषक परिवार से संबंध रखते हैं और किसानों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अगर हम देखें कि प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं इसके आठ कृषि विज्ञान केंद्र
किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसानों के खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन लगाकर, किसान गोष्ठी आयोजित करके, किसान मेलों में प्रदर्शनी लगाकर, रेडियो वार्तालाप द्वारा दूरदर्शन के कार्यक्रम आयोजित करके जो विश्वविद्यालय ने जो तकनीकें विकसित की हैं वो किसानों तक हम पहुंचाते हैं और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय एवं इसके आठ कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए विभिन्न विषयों पर जैसे कि मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि जैविक एवं नेचुरल फार्मिंग उसके बारे में भी हम जहां किसानों के लिए हुए। मैं अब अनुरोध करूंगी मंच पर आने के लिए डॉक्टर रामेश्वर जी को, क्योंकि जो कृषि विज्ञान केंद्र है हम लोग भी अपने किसान भाइयों बहनों को जो नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, तो डॉक्टर साहब आपको ऑर्गेनिक एवं नेचुरल फार्मिंग के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। देसी खाद बनाते हैं, खेतों में डालते हैं, लेकिन यदि जनरली कहा जाए तो लोग खाद किसको समझते हैं? सिर्फ गोबर को समझते हैं। जो जानवरों का गोंतर होता है उसमें भी उतने ही तत्व होते हैं जितने की गोबर में होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह क्या होता है कि जो जानवरों का गोंतर है या तो वो जहां पर जानवर बांधे हैं वहां नीचे बह रहा है या वहीं पर रस रहा है और वहां पर एक बहुत ही अनहाइजेनिक कंडीशंस, बहुत स्मेल आ रही है वहां पे जाने किसी की वो नहीं इच्छा नहीं हो रही है और हम एक बहुत अच्छा सोर्स जो तत्वों का है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें जो जानवरों का गोंतर है उसको भी किसी ना किसी ढंग से या तो खाद में डालना है या उसके विभिन्न प्रकार की जो है हम दवाइयां उससे बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे कि जहां भी आप पशु बांधते हैं थोड़ा नीचे उसका यदि फर्श पक्का हो और थोड़ा ढलानदार हो तो उस गोंतर को हम साइड में इकट्ठा करके वहां उसको इकट्ठा कर सकते हैं और उसको हम इकट्ठा करके खाद में डाल सकते हैं या दवाइयां बना सकते हैं। तो ये काम आप सभी करेंगे कि जो जानवरों का गोंतर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जैविक खेती की बात करते हैं या नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे जो संसाधन हैं उन्हीं से ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। यदि मैं सभी को कहूं कि अब जैविक खेती करनी है आप एक एक गाय पालो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं घास फूस है वो लिमिटेड है। सुना होगा कर रहे होंगे नेचुरल फार्मिंग या सुभाष पालकर नेचुरल फार्मिंग, कितने लोग कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग जी, आप खड़ा करेंगे जी? कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है या सुभाष पालकर नेचुरल फार्मिंग है, कोई इसको जीरो नेचुरल फार्मिंग बोलता है, ये क्या है और क्यों उसका हुई, क्यों या आई, क्यों हमने इसको लगाना शुरू किया? तो मेन इसका जेनेसिस ये है कि जब जैविक खेती आई तो लोगों ने हमने कहा कि केंचू खाद बनाइए, इसमें ये पदार्थ डालिए, ये स्प्रे कीजिए, लेकिन लोगों ने क्या किया, सब कुछ बाजार से लाना शुरू कर दिया। खाद भी बाजार से ला रहे हैं, स्प्रे करने के लिए बाजार से ला रहे हैं, देसी खाद बाजार से लोगों ने लाना शुरू कर दिया, दवाई लाना शुरू कर दिया और वो खाद जो खेती थी हमारी सस्ती होने के बजाय बहुत महंगी हो गई। तो हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है या जिसको हम जीरो नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, सुभाष पालकर नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं, ये ऐसी खेती है जिसमें जितने भी मटेरियल हम यूज करते हैं, चीजें यूज करते हैं, वो सब चीजें जो है किसान के पास उसके खेत में मौजूद है। जैसे भी डॉक्टर साहब बता रहे थे नस्लों के बारे में बता रहे थे, तो जो देसी नस्लें हैं उनका चुनाव करना बहुत जरूरी है जो जैविक जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। देसी नस्लें कौन सी, तो हमारी देसी जो गाय होती है वो है, फिर जो यहाँ पर साहिवाल लगाई है किसी ने रखी, लोगों ने साहिवाल रखी है, गिर रखी है, ऐसी गाय जो कि देसी किस्म की है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो देसी किस्म की गाय होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। तो नेचुरल फार्मिंग में जो है या जो प्राकृतिक खेती है उसमें सारा खेल जीवाणुओं का है, तत्वों की बात नहीं होती उसमें, मेन क्या है उसमें कितने जीवाणु हैं। और देखिए हमारे चारों तरफ 78% नाइट्रोजन घूम रही है, कितनी परसेंट, 78% हमारे वातावरण में नाइट्रोजन घूम रही है, लेकिन फिर भी हम क्या डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, 12-32 डाल रहे हैं,
तो क्या ऐसा साधन नहीं हो सकता कि इस लैटर को पकड़ लिया जाए? पकड़ सकते हैं। वो कौन पकड़ सकता है? मशीन से पकड़ी जाएगी, वो पकड़ी जाएगी यदि आप फलीदार पौधे लगाएंगे और साथ में लाभदायक जानकारी हमारे किसान बंधुओं को प्रदान की है। हमारे बीच में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के हेड डॉक्टर एस के उपाध्याय जी भी आज यहाँ आए हुए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर साहब से कि वह आप आंवला एक और यहाँ पे अच्छा चल सकता है और लगा हुआ है। रणकी जो हमारी घासनियाँ हैं वहाँ पे देसी आंवला भी काफी है। तो ये जो सदाबहार ये वाले फलदार पौधे हम इनको सदाबहार कैटेगरी में लेते हैं और इनको लगाने का समय है बरसात का। हालांकि हम अनुमोदन करते हैं कि अगर सिंचाई की सुविधा हो तो हम इन्हें फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसा हमने देखा कि हमारे प्रदेश में हमारे इस इलाके में सिंचाई की सुविधा कम है, तो इसीलिए इनका अनुमोदन जो है वो बरसात में लगाने का किया जाता है। और ये सदाबहार फलदार पौधे जो हैं ये गाची के साथ आते हैं, हमेशा सदाबहार रहते हैं, ये नगण नहीं होते। तो दूसरी जो कैटेगरी है वो पतझड़ वाले फलदार पौधे, उसमें सेब, आड़ू, प्लम, नाशपाती, अनार, कीवी फल, पिकनट, ये कुछ एक हैं। और आपने देखा होगा कि हाल ही के वर्षों में, हालांकि आपके आसपास भी मैंने देखा है कि सेब जो है वो लगा है। सेब हमारा किन्नौर में भी होता है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन सेब के दूसरी प्रजाति जो कि हमारे गर्म इलाके में हो सकती है, हमारे जवानाबाद में हो सकती है, वो एक अन्ना है, एक डोरसेट गोल्डन है, ये इनको भी लगा सकते हैं। आड़ू एक ऐसा अगर देखें, क्योंकि जैसे मैंने आम की बात करी तो आम के लिए तो कोहरा नहीं पड़ना चाहिए, कोहरे से आम को नुकसान होता है, पपीते को कोहरे से नुकसान होता है, या तो हम नींबू प्रजाति के फलदार पौधे लगाएं, लेकिन सर्दियों वाले फलदार पौधे लगाएंगे तो सर्दी वाले फलदार पौधों की बात यह है कि वो सर्दियों में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, उनको सर्दी सहने के लिए ईश्वर ने ये दिया है कि वो अपने सुप्त अवस्था में हो जाते हैं और सर्दी को सह करके, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जरूरत जो है फूल आने के लिए या अभी बसंत ऋतु में पत्तियां आने के लिए उसको कुछ घंटे जो है वो कुछ ठंडे तापमान के चाहिए। जिस विषय के बारे में यहाँ आया हूँ, हम एलोवेरा की खेती करवा रहे हैं लोगों से, हमें हजारों टन एलोवेरा चाहिए, सालाना हजारों टन एलोवेरा चाहिए, और उसका जो पत्ता वो हम खरीदेंगे पौधा एक बार लगाना है, वो 15-20-25 साल तक उसको कोई जरूरत नहीं होती है, ना खाद डालनी है ना पेस्टिसाइड डालना है, और आपकी जो डंगरों और बंदरों की समस्या वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये एलोवेरा का ना बंदर खाता ना डंगर खाता है, एक बार बीजना है थोड़ा सोचना है, ना खाद डालना ना पेस्टिसाइड डालना है, कुछ घुड़ पीड़ कुछ नहीं लगता है, ना वो कभी खराब होती है, उसको ऐसे भी 3 महीने आप वैसे हवा में रख दो तब भी वो मरती नहीं है, कहीं जितनी बारिश होनी चाहिए सिंचाई की भी इतनी जरूरत नहीं होती है, हम उसका पता लेंगे। लेकिन उसमें शर्त एक है कि हमने उसको एक यूएसए पौधा मंगा के उसको टीसी कल्चर से तैयार किया है, तो शेर प्रजाति का हम उसी का पता लेंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें तो अगर आप 8 दिनों में भी एलोवेरा का उत्पादन करें तो वो भी कम पड़ेगा, इस वक्त में उद्योग द्वारा लगने वाला है, मतलब 1-1.5 महीने में वो उसकी हम उत्पादन शुरू कर देंगे, अभी हम गुजरात से लाना पड़ेगा जो पत्ता है, तो गुजरात से हमारी समस्या है कि हमें 1.5 लाख रुपए तो किराया बढ़ रहा है, हम किसानों से वहां किसियों के रिपोर्ट में बहुत सारे 35-40 किसानों से हमने पौधे लगाए हैं, और यहाँ भी हम आभार करते हैं क्योंकि यहाँ की जो जलवायु हुई है, जो गर्म इलाके जितने भी हैं उनमें एलोवेरा भरपूर मात्रा में उगती है, और करना क्या है सिर्फ 3-4 महीने के बाद उसमें से घास निकालना और थोड़ा सा बड़ा मोटा गहती कस्सी से वो उसकी
कोई ज्यादा काम नहीं है। घास आप पशु को डाल दो, लेकिन चाहिए ना ऑर्गेनिक, आप उसमें देसी खाद डाल सकते हैं, जितना भी होगा वो लेंगे, जितना भी आप उसको एलवेरा को उगाएंगे तो उसको हम ठीक करेंगे। महोदय जी के हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हिमाचल के गांव-गांव में जाके ये बताया कि किसान क्या नहीं कर सकता और किसान को सरकार के माध्यम से क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, उससे क्या क्या वो कमा सकता है, इस चीज को जो हमारे ग्राउंड लेवल पे पहुंचाया तो उसके लिए अगर हिमाचल प्रदेश में पिछले दो वर्ष में इसका सबसे ज्यादा योगदान है तो माननीय कुलपति महोदय जी को जाता है, जिसके लिए उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारी जो कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की कृषि कैंप में जो महिलाएं आई हैं उनको भी मैं आग्रह करूंगा और जो लोग यहाँ पे और उपस्थित हैं कि वो कृषि के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो बहती गंगा मिल रही है उसका फायदा जरूर लें। आज के इस युग में रोजगार के साधन जो इस क्षेत्र द्वारा उपलब्ध किए जा रहे हैं और जो उसमें सरकार की योजनाएं हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं, जिससे आपका परिवार संपन्न हो, समृद्ध हो। श्रीमती ऋषु कुमारी जी ये नेचुरल फार्मिंग पे बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और आप लोग माँ जयंती जी के और माँ कालिका जी के श्री चरणों में प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। इस देवी माँ की ही कृपा है कि आज इतनी देवियां यहां इकट्ठी हुई हैं। आपने सभी देवताओं को पीछे छोड़ दिया और सारे देवते पीछे लगे हुए हैं। हमारे साथ आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से आए हमारे डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर शशिपाल दीक्षित जी, डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी, हमारे यहाँ के इस जमानाबाद के प्रधान युवा प्रधान कुलदीप चौधरी जी और इनके उप प्रधान अशोक कुमार जी, हमारे मित्र मुनेश जी जो कि अध्यक्ष हैं बास्केटबॉल संघ के हिमाचल प्रदेश के और एक जुझारू नेता भी हैं, वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य हमारे डॉक्टर आर एस राणा जी जो कि आज हेड के रूप में यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आए हैं, ऋतुराज मेहता जी और इनके साथी, हमारे कंसल्टेंट विश्वविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी भी रहे और वेजिटेबल के सब्जियों के एक माहिर वैज्ञानिक हैं डॉक्टर संत प्रकाश जी, डॉक्टर आर के कपिला जो कि बीज उत्पादन के और उसकी तकनीकी के विभाग के अध्यक्ष हैं। जरा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लोगों को पता लगेगा कि कौन साथ आए हुए हैं। ये बीज उत्पादन जितना हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ये इनके माध्यम से होता है, चाहे कोई भी फसल हो। डॉक्टर रामेश्वर ये ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती प्राकृतिक खेती के अध्यक्ष के रूप में यहां पर आए हुए हैं। डॉक्टर देवीना ये वेटरनरी कॉलेज से पशुधन में जो कीड़े लगते हैं जो मुश्किलें आती हैं उनका निवारण करते हैं उस विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर एस के उपाध्याय ये हमारे बागवानी के अध्यक्ष हैं जो हमारा हॉर्टिकल्चर का जितना भी काम है उस विभाग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर डी के बनियाल ये पौधों में जितने भी रोग लगते हैं
सब्जियों में, पौधों में, फसलों में कितने भी रोग लगते हैं उस विभाग के अध्यक्ष हैं। कोई भी रोग की आप बात करें उसका निवारण इनके पास। डॉक्टर बी के सूद हमारे जितनी भी फसलों की नई किस्में हमारे विश्वविद्यालय से निकलती हैं उन सभी फसलों के बीजों को नई किस्मों को तैयार करने का जिम्मा इनका है, इस विभाग का। डॉक्टर देशराज चौधरी जी ये वेजिटेबल और फ्लोरिकल्चर विभाग के अध्यक्ष हैं। सब्जियों में प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है या दूसरा कोई कार्य है, फूलों की खेती है, फूलों की खेती की राजकुमार जी ने बात की, ये उसके लिए जिम्मेवार है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। डॉक्टर संजय शर्मा जी से तो आप बहुत मुखातिब है सभी, हर रोज आप इनसे मिलते हैं। ये हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं कृषि विज्ञान केंद्र के और एक बहुत ही जुझारू वैज्ञानिक है, हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं। उसका उदाहरण आज आप देख रहे हैं कि जमानाबाद में हम धरातल पर आपके साथ मौजूद हैं। इनके साथ इनका स्टाफ डॉक्टर दीप, डॉक्टर नीतू और दूसरे वैज्ञानिक, और कौन है, और कोई नहीं है। तो ये सभी एक शक्ति एकजुट होकर के हमारे इस कांगड़ा जिला की सेवा में तल्लीन है। हमारे यहाँ बलवीर सैनी जी जिनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया, मुझे बहुत खुशी हुई, सैनी साहब का भी बहुत स्वागत है। एक हमारे बहुत प्रगतिशील किसान जो कृषि विश्वविद्यालय के कृषि दूत भी हैं, हमारे एम्बेसडर हैं, जो सगूर से स्पेशल यहाँ पर पहुंचे हैं, श्री सुरेश कुमार चौधरी जी, जरा खड़े हो जाए। ये एक ऐसे फार्मर है, ऐसे किसान है जो दूसरों के लिए शिक्षक का भी रूप करते हैं, एक टीचर का काम भी करते हैं। तो कभी हम इनके खेत में चलेंगे, वहां भी फील्ड डे बनाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर इंजीनियर बाबूराम चौधरी जी हमारे साथ आए हुए हैं, एक्सिम यहीं से आपके क्षेत्र के ही हमारे बड़े परमित्र हैं, कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री राजकुमार जी, आपने उनका भाषण सुना, ये एक ऐसे व्यक्ति है जो हमीरपुर में कांगू में एक ऐसा उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं। आपने सबने, हमारी बहनों ने, माताओं ने एलोवेरा का नाम सुना होगा। ये कहते हैं कि जहानाबाद में मैं पहली बार इस क्षेत्र में पहुंचा और मुझे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारी महिलाएं बहनें ये सब हमारा कारोबार सजा करके बैठी हैं, ये हमारी महिलाओं की बहनों की एक अद्भुत शक्ति है। आज एक प्रोग्राम नहीं है, आज हमारे दो प्रोग्राम हैं। एक तो हमारी ये वैज्ञानिक सलाहकार समिति है जिसमें हमारे सदस्य, जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य है वो हमारे से विचार साझा करते हैं, और दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत जो मशीनें आप यहां पर देख रहे हैं सभी सजी हुई हैं, ये वो मशीनें हैं जो आपके खेतों में काम करती हैं। ये सारी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बनाई हैं और कुछ उद्योग के लोग, इंडस्ट्री के लोग अपनी मशीनें यहां लेकर के आए हुए हैं। ये एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी एक आज मेला है, तो इस तरह से दो मेले यहां पर है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि हमारे डॉक्टर संजय शर्मा जी ने जमानाबाद यहां पर एक ऐसा क्षेत्र चुना जहां पर सभी किसान हैं, और यहां पर आकर के आपने हमें कृतार्थ किया, हम सब आपका जो है यहां पर आकर स्वागत करते हैं। यहां कोई पत्रकार बंधु हमारे सज्जन अगर आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी एक प्रभावशाली दूरदर्शी ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी एक आवाज पर ये कृषि विश्वविद्यालय ने अपना एक रुख बदल दिया, एक स्वरूप ही बदल दिया कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो है वो अब कृषि विज्ञान केंद्र में
या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं बैठेंगे, वो किसानों के खेतों में जाएंगे और किसानों के खेतों में जाकर के वहां पर किसानों से पूछेंगे कि साहब बताइए कि आपकी मुश्किल क्या है। आपकी मुश्किलात को समझने के लिए हम सब लोग देख रहे हैं कि 30-35 लोग हमारे जो है विश्वविद्यालय से आज किसानों के साथ धरती पर आपके साथ बैठे हैं। मैं भी वहीं बैठना चाहता था लेकिन वहां बैठता तो आप देख नहीं पाते, इसलिए मुझे यहां बैठना पड़ा। और आप देख रहे हैं कि यहां कोई कुर्सी टेबल नहीं है, सिर्फ साइड में थोड़ी कुर्सियां रखी हैं जिनकी जंग है जो दर्द होंगी जिन्हें पेट में लगता है दर्द हम यहाँ से साइड में बैठते से इंतजाम भी साझो करना पाऊंगा क्योंकि किसी को हम कष्ट नहीं देना चाहते। लेकिन हमारा किसान जो है वो खेतों में इतनी ताकत लगा रहा है, खेतों में पसीना बहा रहा है और उसके पसीने का ये रूप भोजन के रूप में हमारे निवाला बनता है। अब आप देखिए कि हमारे यहां पर महिलाओं की तादाद जैसे कहा गया कि इस वक्त 95% जो है वो महिलाएं ही हैं। मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिक मैं पीछे भूल गया, अब मुझे नजर आए डॉक्टर बरु संख्या खड़े हो जाइए आप। ये हमारे मुर्गी पालन पोल्ट्री जिसको कहते हैं उसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने एक यूरोप की जर्मनी के मुर्गा और एक यहाँ का देसी पहाड़ी उसका क्रॉस करके एक नई किस्म तैयार की, उसका नाम है हिम समृद्धि। ये इन्होंने तैयार की यहाँ पर और लाखों चूजे जो है उसके जो है किसानों में बांटे जा रहे हैं। अभी कुल्लू में हमने काफी उसमें तादाद में बांटे और किसी समय आपको भी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको भी मुहैया कराएंगे। ये बैठिए डॉक्टर शांता, डॉक्टर प्रवेश, ये हमारे एक बहुत जुझारू वैज्ञानिक हैं। आपका महकमा जो है गायनेकोलॉजी है और जो पशुओं का आज की डेट में एक मुश्किलात आ रही है कि गर्भाधान करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम जो है इधर उधर भटकते हैं, गलत व्यक्ति के हाथ में चढ़ जाते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इंजेक्शन जो है अपनी गाय को जो है ऐसे व्यक्ति से लगवा लेते हैं जिसका कोई सिखलाई नहीं, पढ़ाई नहीं, और वो जब गर्भाधान प्रॉपर नहीं होता है उस पशु को लात मार करके सड़क पर भेज देते हैं। वो ऐसी दुविधा ना हो, अपनी माता के साथ ऐसा हम ना करें, जो हमारी गाय जो माँ है, माँ का रूप है, उसको हम सड़क पर ना भेजे, उसके लिए विश्वविद्यालय में ऐसे वैज्ञानिक कार्य में लगे हुए हैं ताकि ऐसी मुश्किलात हमें पैदा ना हो। डॉक्टर देवेश ये प्रसार शिक्षा में तल्लीन है, ये टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी उस विभाग से हैं जिसमें कि हमारे किसानों के पास जो एक शक्ति है जड़ी बूटियां, आपने सुना होगा जे ती बड़ा बसूटी भरे ते ती आदमी की अमरे, जहां बड़ा बसूटी और बरिया ये तीन चीज होती है वहां आदमी मर नहीं सकता, क्योंकि ऐसी शक्ति है इन जड़ी बूटियों में, इन पहाड़ों के बीच में इर्द गिर्द हमारे खेतों के इर्द गिर्द ऐसी शक्ति बहती है जिस शक्ति का प्रयोग हम मनुष्य के लिए भी करते हैं और पशुधन के लिए भी करते हैं। उस शक्ति का वैज्ञानिक आधार क्या है और कितनी अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं उस महकमे से हमारे ये संस्थान है। अब आप देख रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय जो कि आप किसानों के लिए एक शिक्षा का मंदिर है और उसका एक स्वरूप कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में यहां कांगड़ा में स्थित है। इस कृषि विज्ञान केंद्र को आप एक ऐसा समझें जैसे कि ये भी वैसा ही मंदिर है जैसे मां ब्रह्मेश्वरी का मंदिर है। यहां से आप सीख करके जब खेत में जाते हैं तो अद्भुत शक्ति आपके पास होती है। वैसे तो हमारा किसान जो है बड़ा बुद्धिजीवी है, हमारी महिलाएं
जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, हमारी महिलाएं मातृवर्ग जो है घर का काम भी देखेंगी, खेत का काम भी करेंगी, हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को भी पालेंगी, अपने घर वालों का भी ध्यान रखती हैं, और कई जो है आपके वो नौकरी भी करती हैं, और सत्संग हो उसमें भी जाती हैं, और कृषि का ऐसा प्रोग्राम हो उसमें भी भरपूर मात्रा में पहुंचती हैं। मैं आप सबको जो है प्रणाम करता हूं इस मातृशक्ति को, जो इतनी शक्ति बन करके हमारा हौसला बढ़ाती है। भगवान ने आपको अद्भुत शक्ति दी है, भगवान ने आपके अंदर ऐसी ताकत भरी है, इसीलिए माँ कहा जाता है। माँ जो है वो सबको समा लेती है। इसी तरह से हम समझते हैं कि ये शक्ति जो है धरती माँ में भी हमें समाहित करनी चाहिए। ये जो हमारी धरती माँ है इसका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। धरती माँ में हमारा गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ऐसा उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हम रासायनिक खेती की ओर जो है बहुत दौड़ लगाते हैं, मगर साथ साथ अगर हम देसी खाद का इसका प्रयोग भी अगर खेतों में करें तो हमारी जो खेती है, धरती है, उसका उपजाऊपन जो है वो बना रहेगा, और उसमें मुश्किलात नहीं आएगी, और बीमारियों से भी जो है वो निजात मिलेगी। इस तरह से हमारे इस शक्ति का दोहन हमारी महिलाएं, मैंने देखा कि यहाँ पर जो है भांत भांत की प्राकृतिक खेती की सब्जियां, हमारे यहाँ पर भांत भांत की जो है वो बढ़िया अचार और दूसरी कई चीजें जो कृषि विज्ञान केंद्र से आपने जो है इनसे सीखा, वो सीख करके आपने अपने घर में इसको एक उद्योग बनाया, इसको उद्योग बना करके आप आगे बढ़ रही हैं, तो ये व्यापार नहीं तो और क्या है, ये एक व्यापार है। कृषि जो है अब वो खेती नहीं रही, अब कृषि जो है एक व्यापार बन गया है। इस तरह से हम अपनी सब्जियों का, अपनी फसलों का, और अपने जो भी वहां पर कारोबार घर में होता है उसको एक नया रूप दे करके बाजार के अंदर लेकर के जाते हैं। इसी दिशा में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया है कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय में आने वाले महीने में के अंत तक हम एक पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती महिला कृषक मेला करने जा रहे हैं। 3 दिन के लिए मेला चलेगा, और महिलाएं ध्यान से सुने, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितनी भी हमारी महिलाएं जो ऐसे काम करती हैं, वो सबको वहां पर कृषि विश्वविद्यालय में ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम वहां आपको लेकर जाएंगे, 3 दिन हमारे साथ रहिए, आप वहां पर अपने अपने हाथ सजाइए, हम आपको वहां जगह देंगे, आप अपने इस शक्ति का प्रदर्शन वहां पर करिए, दिखाइए पूरी दुनिया को कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में, मातृवर्ग में कितनी शक्ति है। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट जो है हमारे घर घर में वो बनाए जाते हैं, इनको दूर दूर तक इसकी पहचान हो, दूर दूर तक लोगों को इसका उपयोग करने का पता लगे, ये शक्ति हम जो है आपकी इसका दोहन करके कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेवारी है, और इसकी शक्ति हमें कहां से आती है? इसकी शक्ति हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से आती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आती है, कृषि मंत्री जी से आती है, उनके आदेश से ही हमने ये एक जिम्मा लिया कि वैज्ञानिक सभी खेतों की ओर जाएंगे, और हर घर में जाकर के ऐसे प्रोग्राम करके अपनी माताओं बहनों से मिलेंगे, अपने माताओं बहनों से मिलकर के उनके घर में जाकर के द्वार पर उनके अलग जगाएंगे। अगर आप लोग सब पालमपुर नहीं आ सकते तो हम आपके घर आएंगे, और वहां पर जिस तरह से आज आए हैं, हमारे आपके हरेक क्षेत्र में कांगड़ा एक सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। आप देखते हैं कि नूरपुर से लेकर और बीड़ बंगाल तक, बड़ा बंगाल तक, वहां तक जो है ये फैला हुआ है। कितना बड़ा जो है ये जिला है, इस जिला को पूरा करते करते हमारे डॉक्टर संजय जी थक जाते हैं,
लेकिन हम इनका साथ देंगे, हम इनके साथ चले। हमारे सभी विभागाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, सारे कॉलेजों के और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सांसदान सब मिलकर के आपके क्षेत्र में आएंगे और इस तरह से जिसे आज हमने किया ऐसा जगह जगह जाकर के हम अर्थ जगाएंगे कि कृषि विश्वविद्यालय आपके लिए क्या कर सकता है। आप बताइए कि मुश्किल क्या है, उस मुश्किल का निवारण हम करने के लिए आए। हमारा किसान जो दिन भर अपनी मेहनत खेती करके हमारे मुंह का निवाला बनाता है वो भगवान के तुल्य है, ईश्वर के तुल्य है। आपने सभी भगवान कृष्ण को जानते हैं, भगवान कृष्ण के भाई भाई बलराम को भी जानते हैं। भाई बलराम जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, उन्होंने भी हल अपने मोंडे पर उठा करके खेती की और ये ताकत जो है पूरी दुनिया को बताई कि देखो भगवान भी हल चला रहे हैं, भगवान भी हल चला रहे और खेती कर रहे हैं। ये खेती धरती माँ जो है वो हमारे लिए क्या कर सकती है, किस तरह से ये खेती जो हमारा जीवन यापन कर सकती है, ये दिखाने के लिए और किसानों को प्रथम बनाने के लिए, भगवान का रूप बनाने के लिए उनको जो है धरती पर उतरना पड़ा। कितनी बड़ी बात है। तो ये भगवान तुल्य है तो भगवान के पास तो भगत जाते हैं। हम सब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक आपके भगत हैं। हम आपके द्वार पर आएंगे और इस तरह से अलग जगाते रहेंगे, आपको जागृत करते रहेंगे। ये जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें दी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने दी है। उन्होंने हमें ये कहा कि जाओ अपने वैज्ञानिकों को लेकर जाओ और उनसे कहो कि जाओ अपने किसानों के खेतों में उनको जागृत करो, उनको क्या मुश्किलात है, कैसे हम उसको खेती को व्यापार का रूप दे सकते हैं, कैसे उस खेती को वो रूढ़िवादी खेती से हट करके आज नई तकनीकों को लेकर के हम कैसे अपने इस प्रदेश का नाम देश भर में रोशन कर सकते हैं। हमारे कांगड़ा जिला के हर एक क्षेत्र की, हर एक तहसील की एक अपनी पहचान है। हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। अगर आप नूरपुर से चलेंगे और बड़ा बंगाल तक जाएंगे तो आपको भांत भांत की अलग अलग किस्में जो है वहां पर प्राप्त होंगी, अलग अलग किस्म की खेती प्राप्त होगी। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मंडल का आटा खाया हुआ है, आप खड़ा करें जरा। हमारी माताएं बहने जिन्होंने मंडल का आटा, कोदरा भी उसको कहते हैं, जिसकी रोटी खाई है, जरा हाथ खड़ा करें वाला। अब देखो 5% से कम लोग है जिन्होंने मंडल का और कोदा का आटा जो है खाया हुआ है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसको पुराने वक्त में आज से 50 वर्ष पहले वही रोटी हमारी हुआ करती थी, आज उसको रोटी को खाते हैं तो पेट में दर्द होता है। हमारी नई पीढ़ी उसको खाना नहीं चाहती, लेकिन हमारी महिलाओं ने ऐसा एक काम किया वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के, कि कोदा ये मंडल और हमारा चौलाई और बरेस कणक इसको मिलाकर के, बाजरा इसको मिलाकर के रोटी बनानी शुरू की या बढ़िया बनानी शुरू की। जैसे मैं यहां देख रहा था कि हमारे धर्मपत्नी हमें बता रही थी कि सबसे बढ़िया बात मुझे यहां क्या लगी कि चने की बड़ी, उसमें मशरूम और मेथी। अब बताओ, मैंने भी पहली बार सुना भाई चने की बड़ी में मशरूम कैसे डाला होगा, अंग्रेज तो परेशान ही हो जाएगा कि भाई मशरूम कैसे डाल दिया चने की बड़ी में। भाई चने की बड़ी में मशरूम और उसमें मेथी। अब देखो हर एक तीसरे आदमी को जो है शुगर हुई पड़ी है, कोई ना कोई बीमारी हुई पड़ी है। तो अगर मैं समझता हूँ ये चने की बड़ी मशरूम और मेथी खाएगा तो कभी बीमार नहीं होगा, उसके लिए कितना अच्छा भोजन आपने तैयार कर दिया। हमारी महिलाओं में इतनी शक्ति है, मैं कहता हूं कि इतना सोच अच्छा है आपका जिसका हिसाब कोई नहीं, बस थोड़ा सा वैज्ञानिक तुड़का लगाने की जरूरत है जो आप लगा रहे हैं। कुछ लोग इस काम को कर रहे हैं। हमारी बहन यहाँ साइंसदान डॉक्टर नीतू हमारे साथ हैं, इन्होंने ही आपको ये ज्ञान दिया होगा कि आप इस राह पर चले। धीरे धीरे हम ऐसी शक्ति जो है वो दूसरे राज्यों को भी बताएंगे,
दूसरे प्रदेशों तक लेकर जाएंगे। और इसके लिए कैसे संभव हो सकता है कि विश्वविद्यालय सरकार के माध्यम से एक ऐसी तकनीक पैदा करेगा कि जिसमें हाट सजाए जा सके, जिसमें आपके अंदर ये शक्ति पैदा हो कि आप अपनी चीजें जो है अपने घर से ही वो कोई व्यक्ति आकर के उसको उठा करके मार्केट तक लेकर जाओ और वहां पर बेचे ताकि चार पैसे आपकी जेब में पड़े। अब आपको जैसे उदाहरण दिया कि यहां लाल धान की खेती बहुत होती है, कांगड़ा जो है वो लाल धान के लिए माना हुआ है, भांत भांत की किस्में यहां पर है, आपके चंबा के साथ सटा हुआ जो हमारा क्षेत्र है उससे लेकर के और हमारे ये बैजनाथ तक जो क्षेत्र है यहां तक जो है लाल चावल लोग लगाते हैं। हमारे पुराने जमाने में महिलाएं जो है इसकी पिच निकाला करती थी और उस पिच को जो है जिस बहन के बच्चा हो उसको जो है देते थे तो उसको तकलीफ नहीं होती, उसको सब शक्ति उससे प्रदान होती थी, ऐसी शक्ति है हमारे लाल चावल के अंदर, उससे पिच से ही है, उसकी पिच से ही है जो ताकत उसको प्राप्त हो जाती थी। तो आप सोचिए इस लाल चावल को आगे ले जाकर के हम कितनी शक्ति संजो सकते हैं, कितनी शक्ति पैदा कर सकते हैं, ऐसी ताकत हमारे हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने कोने में है। आने वाला वक्त हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, हमारे कृषकों के लिए एक सुंदर वक्त बनने वाला है। बस आप ध्यान रखिए अपने आने वाली जो पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनको भी अपनी खेती में शामिल करें, उनको भी इस खेती को सिखाएं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जोड़ें, हमारे कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ें। और मैं यहां पर ये भी आपको बोलने आया हूं कि हमारे सभी महिलाएं कृषक अपने अपने बच्चों को हमारे कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भी भेजें। इस कृषि विश्वविद्यालय से कई सांसदान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कुछ कांगड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी तरह से अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वेटनरी साइंटिस्ट, होम साइंस साइंटिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं और अफसर बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भेजें पढ़ने के लिए, इसका भी मैं आपको जो है निमंत्रण देता हूं। इसी के साथ मैं आप सबको आज बधाई देता हूं कि जमानाबाद में हमारे मुनीश जी और हमारे यहां प्रधान साहब कुलदीप चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, ये सभी आपको मैं बधाई देता हूं कि आपका ये क्षेत्र इसके लिए चुना गया और कृषि विश्वविद्यालय ने हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वेटनरी डिपार्टमेंट है, इनके साथ स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के जो यहाँ कार्य किया इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपको सबको निमंत्रण देता हूँ कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर में आइए और इस प्रदेश को सुंदर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। परम सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी का कि वो अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल के यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आशीर्वाद दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं मिसेज चौधरी प्रवीण लता जी का कि वो इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम की सुबह बढ़ाई। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निदेशक शोध डॉक्टर एस पी दीक्षित जी का। सर आप इस कार्यक्रम में आए और आपने अपने बहुमूल्य सुझाव हमें और हमारे किसानों को दिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा जी का जिनके मार्गदर्शन में आज का ये जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मनीष शर्मा जी का अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल संघ, वो विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इफ्को के एरिया मैनेजर श्री सू जी का जिनका इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा। श्री सू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी लाइट पार्टनर्स हैं
जितने भी ऑफिसर वहाँ के जो स्टाफ आया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधान ग्राम पंचायत जमानाबाद का, जितने भी ग्राम पंचायत जमानाबाद के सदस्य हैं, उनका भी धन्यवाद।